ट इज टॉक अबाउट अ थिंग यू कम्पलेट अबाउट और ऐसे भी क्यू कर आ सकता है टॉक अबाउट अ टाइम वेन यू कम्पलेट अबाउट समथिंग बट फाइनली गॉट अ गुड रिजल्ट और फाइनली आपको अच्छा रिजल्ट मिला हो वट डिड यू कम्पलेन अबाउट किसके बारे में कम्प्लेन किया था हुट टू किसको कम्प्लेन किया था वेन इट हैपन कब की ये बात है वट वॉज द रिजल्ट एंड वाई यू आर सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट क्या रिजल्ट था और क्यों आप उसके साथ सेटिस्फाइड थे सो so बेसिकली आप यहाँ पे जर्नल नाइन लिख सकते हो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु यूजली कंप्लेन अबाउट सिली थिंग्स मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जो अक्सर कंप्लेन करूँ सिली चीजों के बारे में हॉबिट हॉबिट का मतलब होता है बट बट इफ सम इज बॉदरिंग एम्पल इंडिविजुअल्स रेगुलरली बट अगर कोई चीज लोगों को रेगुलरली परेशान कर रही है देन आई ऑलवेज पुट माई बेस्ट फूड फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू फिक्स इट देन में अक्सर ही अपना हंड्रेड परसेंट देता हूँ कि मैं उन लोगों की जो है वो हेल्प कर सकू या उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकू सो यहाँ पे ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ पुट माई बेस्ट फूड फॉरवर्ड इसका मतलब होता है अपना हंड्रेड परसेंट देना ये की गेम होता है Here I I would like to shed some light on a time when I complained about a problem and it was corrected afterwards. आज मैं बात करूंगा उस चीज के बारे में उस टाइम के बारे में जब मैंने किसी चीज के बारे में कंप्लेन किया था और वो बाद में करेक्ट हो गया था एक्चुअली आई एम अ मेलोफाइल 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 पर्सन पे वर्ड है है का मतलब होता है जिस पर्सन को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होता है तो मैं एक मेलोफाइल पर्सन सो आई लव टू लिसन म्यूजिक एंड प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मुझे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना भी बहुत अच्छा लगता है और म्यूजिक सुनना भी बहुत अच्छा लगता है आई विविडली रेमिनेंस विविडली का मतलब होता है क्लियरली सो so, मुझे क्लियरली याद है रेमिनेंस का मतलब होता है रिमेंबर वेन आई वॉज इन माई एलिमेंट्री स्कूल जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था

मैं प्ले करता था पियानो को और बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड जो था वो पियानो दे रहा था एज पर एज आई नो जितना तो अभी मुझे याद है कि आई ऑलवेज आस्क माई टीचर या म्यूजिक टीचर टू और थ्राइस अबाउट इट मैंने मतलब कि काफी बार अपने टीचर को बोला उस प्रॉब्लम के बारे में बट इट वॉज नॉट फिक्स फॉर फ्यू डेज बट कई दिनों तक वो प्रॉब्लम जो थी फिक्स ही नहीं हुई थी As we we were were paying for for the the music class, so it was such a war situation for all the students because we were unable to learn piano for almost a week पेंग फॉर द क्योंकि हम लोग सारे स्टूडेंट जो म्यूजिक क्लास के लिए पे कर रहे थे तो इसलिए हमारे लिए वो काफी uh, बुरी सिचुएशन थी कि स्टूडेंट्स uh, को लाइक स्टूडेंट अनएबल थे पियानो सीखने के लिए लाइक like, उनको ऑलमोस्ट एक वीक तक कुछ भी सीखने को नहीं मिला था देन आई डिसाइडेड टू complain.

बिकॉज देयर वॉज अ न्यू पियानो इन द क्लास विच वॉज लुकिंग फंटेबुलस वहां पर न्यू पियानो था क्लास में जो की बहुत ही खूबसूरत था फंटैबुलस का मतलब होता है फेबुलस ये एक सिनेम वर्ड है फेबुलस का ऑल द स्टूडेंट्स व रिलेटेड सारे बच्चे बहुत खुश थे रिलेटेड का मतलब होता हैप्पी होना तो यहाँ पे डिलाइटेड भी बोल सकते हो यहाँ पे जहां बोल सकते हो ऑल द स्टूडेंट्स व मो मीडियम भी लगा सकते हो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट बहुत खुश हो सकते हैं इवन वेन आई प्लेड इट जब मैंने वो न्यू गिटार को प्ले किया द साउंड वर क्वाइट हार्ड टचिंग जितनी भी उसकी साउंड निकल रही थी काफी हार्ड टचिंग थी बहुत ही सुकून देने वाली प्लेजेंट साउंड थी

एंड इट्स रिजल्ट वॉज ऑसम बट इसके रिजल्ट जो थे वो काफी अच्छे थे सो बेसिकली ऐसे करके आप क्यूकट को जो है वो फिनिश कर सकते हो ये था हमारा आज का क्यू कट हो गया कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियर रही होगी शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल कीप सपोर्टिंग थैंक यू सो मच हैव अ